हेलो फ्रेंड्स, गॉसिप विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर मेरे इस वीडियो में आपको क्या कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि एक खबर जब न्यूज रूम में पहुंचती है, न्यूज चैनल तक आती है, रिपोर्टर्स के द्वारा वो भेजी जाती है, वो किसी भी माध्यम से आ सकती है, उसके बाद उस खबर का इनपुट में किस तरह से काम होता है, इनपुट उसमें किस तरह से काम करता है। और अब अपने इस अगले जो मैं वीडियो बना रही हूं उसमें आपको बताऊंगी कि वो खबर जब इनपुट के पास आ जाती है और इनपुट उसे उठाकर आउटपुट के पास भेज देता है, तो आउटपुट का क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरह से आउटपुट उस खबर को हैंडल करता है। देखिए, आउटपुट की जो जिम्मेदारी होती है वो जो खबर हम टीवी पर देख रहे होते हैं उसे किस तरह से पेश किया जाएगा, किस रूप में उसको साचा जाएगा या फिर किस तरह से उसे सजाया जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी आउटपुट की ही होती है। तो देखिए, आपको आउटपुट की वर्किंग के बारे में बताते हैं। एक खबर जब इनपुट ने उठाकर जिसे आउटपुट को फॉरवर्ड किया है, तो आउटपुट उस खबर के साथ में सबसे पहले क्या करेगा। देखिए, सबसे पहले उस खबर को देखा जाएगा और समझा जाएगा कि आगे ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसे चलाना है। यानी कि उसे हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि उसे सिर्फ फटाफट बुलेटिन में छोटी सी खबर लगानी है या फिर उस पर पैकेज बनाना है और या फिर उसे एज अ एवी चलाना है, यानी कि एंकर और विजुअल्स में। अब सोचिए, कोई खबर तैयार कर ली गई, आई हमने सोचा कि हम इस पर पैकेज बनाते हैं। अब पैकेज अगर बनना है तो प्रोसेस यहां से शुरू होता है। किसे क्या काम करना है वो आपको बताते हैं। जो स्क्रिप्ट राइटर है वो स्क्रिप्ट लिखेगा, यानी कि वो पैकेज आया है, जो हमारे पास खबर आई है, अब उस पर हम स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे पूरी तरह से। स्क्रिप्ट राइटर ही स्क्रिप्ट को लिखता है, जो पूरी चीजें लिखी होती है, जो पूरा डेटा होता है, फैक्ट्स को एंकर लिंक को लिखता है। एंकर लिंक का मतलब यहां पर वो है कि जो एंकर टीवी पर पढ़ता है उसे हम एंकर लिंक कहते हैं। टॉप बैंड लिखेगा, टॉप बैंड वो होते हैं जो आप उसी खबर के दौरान जब स्क्रीन आपकी चल रही होती है तो ऊपर लाल पट्टी चलती है, उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आता है, उसी खबर से जुड़ा हुआ एक छोटी छोटी सी लाइनों में उससे जुड़ी हुई जानकारी लिखी होती है, उसे हम टॉप बैंड कह सकते हैं। और साथ ही उस खबर में जो व्यू है, व्यू मतलब कि जो आप सुन रहे होते हैं, जब विजुअल्स चल रहे होते हैं, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, उस दौरान पीछे से एक आवाज भी, एक आवाज मतलब खबर से जुड़ी हुई बातें आपको बताई जा रही होती हैं, उसे हम व्यू कहते हैं। व्यू पूरा स्क्रिप्ट राइटर ही लिखता है। तो जो आउटपुट के बंदे होते हैं उसमें स्क्रिप्ट राइटर ने सबसे पहले उस खबर की स्क्रिप्ट लिखी। अब उसके बाद यहां पर काम शुरू होता है प्रोडक्शन वालों का। अब वो खबर पूरी तरह से लिखकर तैयार है, अब जो प्रोडक्शन के बंदे हैं उस खबर को कटवाएंगे, यानी कि जो व्यू कराने की जिम्मेदारी होती है वो भी प्रोडक्शन की ही जिम्मेदारी होती है। अब स्क्रिप्ट लिखकर स्क्रिप्ट राइटर ने प्रोडक्शन के बंदे को दे दी है। प्रोडक्शन वाला व्यू आर्टिस्ट के पास भी जाएगा और बोलेगा कि इसका व्यू करना है। जब उसका व्यू हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन वाले बंदे उसे लेकर एडिटर के पास जाएंगे और बताएंगे कि ऐसी ऐसी खबर है और ये व्यू है और इसे आपको काटना है। अब वो खबर कटी जाएगी, उसके बाद में जो जीएफएक्स उसमें लगते हैं, जीएफएक्स यानी कि मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जो प्लेट्स आप देखते हैं जिसमें फ्लैश कर रहा होता है टेक्स्ट, उसे हम जीएफएक्स कह सकते हैं या फिर बहुत तरह के जीएफएक्स होते हैं, ताकि दर्शक जो है उनको जानने में आसानी हो सके और न्यूज को समझना उनके लिए थोड़ा सा आसान हो सके। अब देखिए, प्रोडक्शन ने अपना पूरा काम कर दिया, खबर को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, एडिट हुई खबर पूरी तरह से एडिटर के पास जाकर और पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद अब यहां पर आता है कि वो जो खबर बनकर तैयार हो चुकी है उसे कब दिखाया जाएगा और कैसे दिखाया जाएगा और किस समय दिखाया जाएगा, और ये डिसाइड करता है जो हमारा रनडाउन प्रोड्यूसर होता है। देखिए, रनडाउन प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि जो हमने खबर बनाई वो किस बुलेटिन में लगेगी, किस समय लगेगी, क्योंकि खबर की अहमियत होती है। जो प्राइम टाइम होता है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है तो हम उसे सबसे पहले प्राइम टाइम पर लगाएंगे और सबसे ऊपर लगाएंगे। जो डिसाइड करता है वो हमारा रनडाउन प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है कि सबसे पहले कौन सी खबर होगी, उसके बाद कौन सी होगी और उसके बाद कौन सी खबर सबसे आखिर में दिखाई जाएगी। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है जो रनडाउन प्रोड्यूसर ही करता है। देखिए, आउटपुट में प्रोड्यूसर्स कई तरह के होते हैं। एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, पैनल प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं और एसोसिएट प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी जॉब होती है, लेकिन जो काम होता है सबका मिलकर जुलाकर वो यही होता है कि जो खबर आप तक पेश की जानी है उसे किस तरह से सजाना है, किस तरह से उस खबर को संवारना है। अब देखिए, जेएफएक्स वालों का भी बहुत अहम काम होता है। कई बार देखते हैं आप, जब कहीं कोई हादसा हो जाता है, जैसे ट्रेन का हादसा हुआ, कोई ट्रेन पलट गई, तो अब या फिर किस रूट से वो जा रही थी, तो आपको आसानी से समझाने के लिए एंकर जो है वो खड़ा होकर बताता है कि ऐसे बताता है और आपके सामने वो प्रॉपर, जैसे आप कहते हैं ना, एनिमेशन के थ्रू ट्रेन बनाई जाती है और उसी थ्रू पटरी बनाई जाती है। तो ये एक बहुत 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 कठिन काम होता है, लेकिन आप आसानी से उस घटना को समझ सके कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ होगा, इसलिए ये बनाया जाता है ताकि आप समझ सके। और साथ ही एंकर के पीछे जो वॉल होती है, अब देखिए, मैं जहां पर खड़ी हूं मेरे पीछे भी क्रोमा है, तो यही पर खड़े होकर हम अपने बुलेटिन को शूट करते हैं। अब लेकिन आप टीवी पर इस ग्रीन क्रोमा को कभी भी नहीं देखते, हमेशा जब हम एंकर करते हैं तो एंकर के पीछे कोई ना कोई वॉल होती है। कई बार हम प्लाज्मा टीवी भी लगाते हैं, लेकिन जब हम क्रिएट करते हैं तो जीएफएक्स वाले बंदे ही हमारे लिए क्रोमा भी बनाते हैं। जैसे सपोज शिवरात्रि का अवसर है, अब शिवरात्रि पर हम कुछ ऐसे धार्मिक, हमारे एंकर यहाँ पे एंकर होता है, एंकर के बगल में आप देखते हैं हमेशा कुछ ना कुछ जो घटनाक्रम होता है, जिस खबर से जुड़ी हम जो खबर बता रहे होते हैं उसी खबर से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ टेक्स्ट या फिर कोई फोटो लगी होती है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि एंकर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है और किस टॉपिक से जुड़ी हुई खबर ये होगी। तो पूरा काम आउटपुट का ही होता है, स्क्रीन को सजाना, खबर को आप तक पहुंचाना और खबर को पेश करना।
तो यहां पर खबर आउटपुट ने पूरी तरह से बनाकर तैयार कर दी है और जिसके बाद ये खबर पैनल तक जाएगी और उसके बाद ऑन एयर होकर एंकर इसे पढ़ेगा और आप दर्शकों तक पहुंच जाएगी। तो सोचिए आप कितनी बार सोचते होंगे कि एक खबर आई, कितना आसान लगता है आपको कि कितनी आसानी से एंकर ने खबर को पढ़ दिया और आप तक वो जानकारी पहुंच गई। लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं होता, एक लंबा प्रोसेस होता है, एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ एंकर स्क्रीन पर है तो एंकर नहीं पढ़ा, एंकर को सब कुछ पता है, पर ऐसा नहीं होता है। जो हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो बहुत अहम हो जाता है उनका, उन्होंने किस तरह से खबर को लिखा है, किस तरह से कितनी अपीलिंग वो खबर है, ये सारा काम आउटपुट के बंदे ही करते हैं। और एक और बहुत अहम काम होता है आउटपुट में, जो कि टिकर। आप टिकर का मतलब यहां पर है, जब भाई आप टीवी खोलते हैं तो कभी कभी टीवी पर जो बुलेटिन ना होकर के वहां पर एड चल रहा होता है, ब्रेक चल रहा होता है, उस दौरान भी आपको कुछ न्यूज जानने को मिलती रहती है। वो कैसे, नीचे जो एक पट्टी चल रही होती है उसे हम स्क्रॉल कहते हैं और उसी में टिकर भी होता है। तो टिकर वाला जो बंदा होता है हमेशा टिकर पर उसी बंदे को बिठाते हैं जिसकी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सपोज कोई खबर आई, अब वो आप तक अगर बुलेटिन नहीं चल रहा है, ब्रेक चल रहा है और उस दौरान भी आपको बताना बहुत जरूरी है वो खबर, तो सबसे पहले हम उसे टिकर पर डाल देते हैं, स्क्रॉल पर डाल देते हैं, ताकि जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें से आप उस खबर को पढ़ सके। या फिर कई बार होता है कि वो पट्टी हमेशा चलती रहती है और बुलेटिन नहीं भी है तो भी वो पट्टी नीचे चलती रहती है, तो इस वजह से टिकर पर जो बंदा बैठता है उसकी भी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी होता है और साथ ही उसका टाइपिंग स्पीड अच्छी होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सोचिए कोई भी खबर आई, गलती से गलत टाइप हो गई तो वो आप गलत समझ आएंगे, तो इसलिए कभी भी यहां पर जो बंदा बैठता है उसके लिए गलती की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। तो आउटपुट की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, सारे जो चीजें आप तक पहुंचती हैं वो आउटपुट ही तैयार करके भेजता है, इवन एंकर्स भी आउटपुट के ही पार्ट होते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब अचानक से कोई खबर आती है, ब्रेकिंग आती है, तो एंकर उसे अपने अकॉर्डिंग पढ़ देता है और आप तक पहुंचाता है। देखिए उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि उसे कितना नॉलेज है और किस तरह से वो उस खबर को पढ़ रहा है। हालांकि एंकर जो होते हैं उनको अपडेट रहता है, वो न्यूज में रहते हैं तो उनको पता होता है कि कब कहां पर क्या कुछ होना है, तो एंकर भी आउटपुट का ही पार्ट होते हैं और जो आप तक पहुंचता है वो बहुत एक लंबे प्रोसेस के बाद तैयार होकर आप तक पहुंचता है। तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस बनाती रहूंगी। आज मैंने आपको बताया कि आउटपुट में कैसे वर्किंग होती है, कौन से लोग होते हैं जो काम करते हैं। अगर आपको जर्नलिज्म से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग पत्रकार बनना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनके लिए पत्रकार बनना थोड़ा सा शायद आसान हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको और वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचे, और शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने दे रखा है, आप मेरे कवर आर्ट पर कवर पेज पर जाकर उसे वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।